सत श्री अकाल, मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हैं, बड़ा अहम मसला है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के मुद्दे उत्ते विरोधी पार्टियां वालों रखे गए बेविश्वासी दे मते उपर बोलदियां मणिपुर उपर सिर्फ 4 मिनट कुछ सैकंड अपने विचार पेश किते, जबकि वो कुल मिला के 2 घंटे 13 मिनट बोलते रहे पार्लियामेंट च। बड़ा लंबा भाषण दिता उन्हें, और इन्हां 5 मिनट तो घट समय विच उन्होंने मणिपुर बारे की क्या ओदी असी तुहानू गलबात करांगे, ओदे बारे दसांगे। अते ओदियां तुसी प्रधानमंत्री जी दे मुखारबिंद तो भी सुनोगे कि वो मणिपुर बारे की कह रहे। उन्होंने 10 अगस्त नू जो बेविश्वासी का मता सी उस ते जवाब दिता, पर उन्होंने अपने भाषण विच जो 9 अगस्त नू देश दे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई 1.5 घंटे यानी 1 घंटा 30 मिनट तो वध उन्होंने जो अपना विचार रखिया, उसे नू उन्होंने कहा कि वो बड़ा ईमानदारी नाल पेश कीता होया उन्हों दा अनैलिसिस है, विचार है, देश प्रति उन्होंने निघी वचनबद्धता दिखाई है। पर आप उन्होंने जदों मणिपुर की गल की वो उन्हों दी मजबूरी बन गई सी, क्योंकि ओपोजिशन पार्टियां ने जदों ये देखिया कि प्रधानमंत्री तो एक चुनौती जिवें कि चोणां दी रैली होवे ते चोणां दी रैली विच जो भाषण दे रहा हुंदा वो दे रहा, अपनी तारीफ करी गए, अपनी कमर ते आप ही थापड़ा मार दे रहे, तां निराश हो के विरोधी पार्टियां ने उन्हां दे इस दा बाइकाट कर दिता अते वो उठ के चले। जदों वो उठ के चलिया गईयां विरोधी पार्टियां सारियां, तां फिर प्रधानमंत्री नूं याद आया कि उन्होंने मणिपुर बारे भी कोई गल करनी, तो उन्होंने जदों मणिपुर बारे गल की, जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस्या, उन्होंने देश दे गृह मंत्री दे दित्ते हुए 1.5 घंटे की भाषण की बड़ी तारीफ की। तो उन्होंने कहा उहदे विच गृह मंत्री ने बड़े सुचज्जे ढंग नाल सब कुछ कह दिता। ये तुसीं वीडियो सुनो प्राइम मिनिस्टर दी। मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया, और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था, उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था, एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था। लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है, इसलिए इन्होंने यही खेल किए। इस वीडियो नु सुन के तुसी अपने विचार खुद बना सकते हो। इस तो बाद उन्होंने विरोधी पार्टियां दी निंदा कीती कि वो डिस्कशन करना ही नहीं सी चाहते, उन्हां कोल कुछ कहण नु है नहीं सी, इस करके वो उठ के चले गए। अते उन्होंने फिर मणिपुर दे लोकां नू विश्वास दवाण दी
कोशिश की। ये जो गलबात उन्होंने की है, ये तुसी सोचो कि देश का प्रधानमंत्री 100 दिन मणिपुर बारे कोई गल ना करे, क्योंकि मणिपुर विच 3 मई नू ये वायलेंस शुरू हुई, हिंसा दा तांडव नाच होया, पुलिस दे हथियार खोले गए, पुलिस भज गई, 6,000 तो वध पुलिस दी हथियारां नू कब्जे च कर लिया, अते ए एक जंग दा माहौल जिहा बन गया, जिस विच के 200 तो वध व्यक्तियां दी मौत हो गई, 6,000 दे करीब घरां नू अग्गां ला दित्तियां गईयां, भन तोड़ कर दित्ती गई, समान लुट लिया गया, अते उन्हां घरां विचों रहण वालियां नू भजा दित्ता गया, 250 तो वध चर्चां ईसाइयां दियां जला दित्तियां गईयां, तोड़ दित्तियां गईयां, अते उन्हां दा समान खुरदपुरत करता गया, 18 दे करीब मंदिर भी तोड़े गए, जलाए गए, यानी इवें लगता है भी उत्थे इस तरह की कोई जंग चल रही होवे, अजिहा माहौल सी, 60,000 तो वध लोग घरां नू छड के चले गए, कुछ लोग दूसरियां स्टेटां चले गए, कुछ लोग जंगलां च चले गए, कुछ रिफ्यूजी कैंपां चले गए, कुछ सरकार ने जो कैंप बनाए स्कूलां जां होर थावां ते उन्होंने अपने डेरे ला, पर जेड़ी हिंसा है वो हले भी जारी है, हले भी कतलेआम हो रहा, गोलाबारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, ते मरन दियां खबरां कल तक भी आ रही हैं। अजिही जो स्थिति है मणिपुर की, और 100 तो वध दिन हो गए हैं, उदे बारे सुनो प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी की कहते हैं, ये उन्होंने वीडियो है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया, और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध, और ये अपराध अक्षम्य है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है, और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा, नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, वहाँ की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है, हम सब मिलकर के, कोई यहाँ हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। ये तुसी सुन लिया कि उन्होंने एक अश्योरेंस दे दी है कि देश मणिपुर दे नाल है, ये सदन भी मणिपुर दे नाल है, पर प्राइम मिनिस्टर कोल वक्त नहीं कि वो मणिपुर जाके लोकां दे जख्मां नूं मलम लाण, हील करन, उत्थे जाके उन्हां नूं दिलासा देन। पर विरोधी लीडर, कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी, जो कि मणिपुर च जाके आए, तुसी उन्हां दे भाषण सुन चुके हो, उन्हां ने जो दोष लाए हन रूलिंग पार्टी ते प्रधानमंत्री ते, वो बड़े संगीन हन। उन्हां ने ये कहा है कि भारत माता दा कतल होया, और देश नू दो हिस्सों विच वंड दिता गया है, एक पासे कुकीजान ते एक पासे मतेईजान, अते दोनों दे विचाले बड़ी डूंगी दराड़ जिहड़ी है वो बन गई है। मणिपुर हुण एक नहीं रह सकता, दो हिस्सों च वंडिया गया, और उन्होंने ये कहा कि जो देश दी सरकार है जिहदा मुखी
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने दोष लाया, राहुल गांधी ने यह दोष लाया कि तुसी देश त्रोही हो, ता ये सब कुछ वापरिया। सो ये जो तुहानू असी सांझ पवाई है देश के प्राइम मिनिस्टर के भाषण नाल, वो इसलिए पवाई है कि तुसी अपने आप फैसला कर सको कि देश के प्रधानमंत्री किन्ने कठोर हिरदे के मालक हैं, उन्हां उपर मणिपुर विच जो भी वापरिया उहदा कोई असर लगता नहीं। अते ये गल विरोधी पार्टियां भी कह रही हैं, अते उन्होंने इन्ना लम्मा समा अपने विदेशों के सफर ते लाया, विदेशों विच गए, और जदों ये सारा जवाब दे रहे सन ते उन्हां उपर कोई उदासी जां उन्हां नूं अफसोस दी जिहड़ी झलक नज़र नहीं आई, ना उन्हां दे चेहरे तो, ना ही उन्हां दे भाषण दी शब्दावली चों उन्हां दी। सो लम्मा समा वो हसदे रहे, मोदी पार्टी उपर टीचरां कसदे रहे, मजाक उड़ाते रहे, शेरो शारी करते रहे। तो ये जो इन्ना दुख भरिया जो सीन सीगा मणिपुर का, उस प्रति उन्होंने कोई अजिही शब्दावली नहीं वरती, अजिहा कोई रोस नहीं प्रगटाया। इस चर्चा नूं खत्म करन तो पहले मैं एक गल कहनी चाहना कि जिस प्रकार दीआं घटनावां मणिपुर च वापरियां, इदां तो ही अवस्था 2002 विच गुजरात विच वापरी सी, अते मुसलमानां दा जो कतलेआम होया सी, उत्थे जो हिंसा हुई, उत्थे जो यानी एक मिसाल है कि गुलबरगा जो सोसाइटी सी अहमदाबाद, उहदे विच इक एक्सएमपी कोल शरण लई कुछ मुसलमानां ने यह सोच के कि साडी मदद होएगी, पर उत्थे 60 बंदियां नूं दे कतल कर दिता गया, कई जिंदे जला दिता गया। सो मोदी जी का जो पिछोकड़ है वो तुहानू पता ही है कि उन्होंने 2002 विच गुजरात विच होए जो कतलेआम सी, उस नाल उन्होंने चढ़त हुई, उन्होंने वध तो वध वोटां पईआं, अते उहदे सिर ते ही वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच गए। तो तुसी अपने आप इस गल का अंदाजा लगा सकते हो कि मणिपुर जिथे कि क्रिश्चियनज नूं मारिया गया, उहदे बारे देश दे प्रधानमंत्री दा की मूड हो सकता है। धन्यवाद, सत श्री अकाल।